हेलो। हेलो, मैंने आपको इतनी बार कॉल किया, आपने रिसीव क्यों नहीं किया? अगर कोई बंदा आपके कॉल नहीं उठा रहा है ना, या कोई इंसान आपके कॉल नहीं उठा रहा, आप एक बार कर रहे हो, दो बार कर रहे हो, तो समझ लो बिजी है, या फिर आपका फोन उठाना जरूरी नहीं समझता। ये दोनों बातें होती है ना। और बट एक दोनों बातों बात में, एक मिनट, इन दोनों बातों में सामने वाले को पता है क्या करना चाहिए? फोन करना चाहिए, साइड में रखना चाहिए और उसको छोड़ देना चाहिए, ना कि उसमें उंगली करती रहनी चाहिए। वैसे मैंने आपको 20 मिनट का ब्रेक लेके फिर कॉल किया है। सो व्हाट, ये कोई टीवी की ऐड चल रही है, 20 20 मिनट का ब्रेक करके ऐड दिखा रहे हो? सिंपल तो मतलब मैंने आपको सी 4 बार बात है। कॉल किया, मतलब एक बार भी रिसीव नहीं किया, वो रिसीव करके वैसे अपरूप की तरह बात कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? सर नहीं, मैंने हमने दो बार फोन किया था, तीसरे फोन में उठा दिया है मैंने। ये हाँ, जो लड़कियों की भी जो है आदत है ना आपकी बड़ा चढ़ाने की, वो मेरे साथ मत चलाओ। ठीक है ना। आप फोन क्यों किया? आप कोई नई पोएट्री लिखी है? अभी सुनने मूड में नहीं हूं मैं, मतलब वैसे मैं मैं बिजी हूँ, बाद पोएट्री में से बात करने करूँ। से वहाँ बिजी तो आप हमेशा ही रहते, वैसे मेरी बात सुन लो आप। तो दुखी क्यों करते हो मेरे से फोन करके? तो इतने प्यार से बात करती हूँ मैं, तो दुखी क्यों करती हूँ आपको? मैं भी तो इतने प्यार से आपके फोन काटता हूँ, फिर बार बार फोन क्यों करते हो? तो जब कोई सामने से आपको कॉल करता है ना, तो सामने से कॉल उठा के उसे प्यार से बात करनी चाहिए, आपको पता है? और जब सामने से कोई फोन करता है, अगर वो फोन काटता है तो उसको रख देना चाहिए, फोन में उंगली नहीं करनी चाहिए, पता है आपको? रखने देना चाहिए उसको, थोड़ी देर बाद कॉल करना चाहिए। मैंने वही किया, फिर थोड़ी देर बाद कॉल किया तो आपने रिसीव किया, अब रिसीव कर लिया तो प्यार से ही बात कर लो। काम क्या है? जरूरी हो मैं काम हो तभी कॉल करूँ? 1 मिनट, मैंने क्या कहा था? वेले लोग, फालतू लोग हो, फालतू में कॉल मत करना। वैसे एक बात बताओ मुझे आप, और तुमने यही थी, काम पड़ेगा तभी कॉल करूंगी। अब ये क्या है, कोई काम नहीं अरे है फिर मेरी भी बात कॉल तो किया? सुनो, आप हर वक्त मुझे फालतू फालतू क्यों कहते रहते हो, ये बता दो बिकॉज पहले। हो मैं फालतू नहीं हूँ ठीक है ना? ओके, आप बहुत बिजी हो इसलिए अपना बिजीपना दिखाओ, मेरे को फोन मत करो। कोई मैं काम भी दिखा नहीं रही है, हूँ कोई ना, काम भी नहीं है, फिर फोन करने का क्या मतलब है? नॉर्मली बात करने के लिए मन किया फोन मैं करने का आपका तो कर बॉयफ्रेंड लिया। हूँ, मैं नहीं आपका फ्रेंड हूँ। वैसे एक बात बोलू, हमने इतने 3 4 दिन से बात की है, एटलीस्ट सॉट, हम फ्रेंड तो बन चुके हैं। गलत फहमी मत पालो, नाम कौन फ्रेंड है ना कुछ है, तुम क्यों? सिर्फ वो लड़की हो जो मेरे को कॉल करके इरिटेट करती हो, मेरे को तंग करती हो, मेरे को अपनी स्टूपिड जैसी अपनी पोएट्री सुना सुना के मेरे को पकाती हो, बस। नाम फ्रेंड है ना कुछ, ना कभी पहले बनेंगे। तो ना मैं कुछ भी सुन लूंगी, बस पोएट्री को स्टूपिड मत बोलो ठीक है ना, हाँ, बड़ी बहुत मेहनत से लिखती बहुत हूँ मैं। बहुत अच्छी पोएट्री आपने लिखी थी, आई नो, बहुत ब्रिलियंट पोएट्री थी, दूसरों के लिए, मेरे लिए वो बेकार थी, ठीक है ना? तो अब वो लड़की हो जो बेकार हो, फालतू हो, और हम दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए गलत सही मत पालो अपने पास, ठीक है? इतना ना एटीट्यूड में दिखाया करो, करूँ अकड़ू जो आपको हो, पहली बात मेरा नाम खड़ूस औकड़ू नहीं है, ठीक है ना? है तुम्हारा नाम, खड़ू सर अकड़ू या फिर तुम्हारा नाम तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ, चिल्लुड़वा, व्हाट यू मीन, व्हाट यू मीन चुल क्या बोला भी क्या? जो ही बोला आप, मैंने इस हाल वैसे में एक बस। बात पूछूं, क्या कर रहे हो? क्यों जानना है तुम्हें मैं क्या कर रहा हूँ? जनरल नॉलेज, क्या जी, जनरल नॉलेज का मतलब ही पता है? जनरल नॉलेज मेरी पर्सनल नॉलेज से तुम्हें जनरल नॉलेज कहाँ से मिलेगी? ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन पूछ के जनरल नॉलेज का नाम दे रहे हो? ये अब किस जो भी तरीके की समझो, आप जनरल मैंने नॉलेज है? पूछा तो फिर बता दीजिए ना कि क्या कर रहे हो। तो कौन सी तरीके की जनरल नॉलेज है तो मुझे तो पता चले? दिमाग अब मैंने पूछ लिया ना, नेक्स्ट टाइम से नहीं पूछूंगी, बता दो कि क्या कर रहे हो आप। मार रहा हूँ दीवार में, दीवार में दिमाग, दिमाग मत मारो, लग जाएगी आपको सर में, खून निकलेगा। नहीं निकलेगा, बिकॉज जब तुमसे फोन पे बात करो ना, उसको दीवार में दिमाग मारना ही कहते हैं। भी रिलेटेड तो नहीं पहली हो बात मैं यार, बात मैं कर ही क्यों रहा हूँ, मैं बात कर ही क्यों रहा हूँ? मतलब क्या बात करी क्यों रहा हूँ? ऑब्वियसली मैं बात ही क्यों कर रहा हूँ, तो फोन काटा अच्छा तुम अच्छा रखो। ठीक है ठीक है ठीक है, एक बात सुनो बस मेरी, मैं आपको इसके इस कॉल के बाद कभी कॉल नहीं करूंगी, बट एक शर्त पे, थैंक यू सो मच। हाँ बट एक शर्त बोलिए पे, बोलिए बोलिए। अभी आप मुझसे 15 मिनट बात कीजिए तो नो वे, फिर जिंदगी भर परेशान हो या फिर 15 मिनट परेशान हो, या आप कैसे टेके? बट 15 मिनट मैं नहीं कर पाऊंगा, शर्त तो शर्त है भाई उसके बाद कभी जिंदगी में कॉल नहीं करोगे? ना, सोच लो, सोच लिया कभी कॉल नहीं आएगा तुम्हारा, ना, सोच लो, मैं फिर कह रहा हूँ, सोच लिया ना, कभी कॉल नहीं करोगे? अब इतनी बार बोलोगे तो मैं अपनी बात पर नहीं रखूंगी नहीं चलो ठीक है, 15 मिनट बात करो आप, कितने हुए? चलो क्या? लगाओ 15 मिनट बात करो आप। ये कोई टाइमर है कि 15 मिनट लगाओ? तुम नहीं तो भाई 15 मिनट
अच्छा ठीक है, क्या कर रहे हो? हाँ मतलब मुझे स्टूपिड क्वेश्चन की रिप्लाई भी करने पड़ेंगे। जी, वो भी प्यार से। तो सॉरी, मतलब आपको जिंदगी में परेशान होना है ऐसा? ब्लैक लिस्ट का होता है एक ऑप्शन मतलब आप मेरा ब्लैकलिस्ट नंबर डालोगे तो क्यों उसी लड़की का नंबर ब्लैकलिस्ट में जाएगा? तो या व्हाई नॉट। मैंने पूछ लिया था, 3 बार पूछे, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, बता नहीं सकते क्या कर रहे हो? ओके, 15 मिनट तक आप पूछो अपनी स्टूपिड क्वेश्चन, उसके बाद आप कॉल नहीं करोगे। ठीक, क्या कर रहे हो? पूछिए। कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। खाना खा लिया? वो थाना नहीं, खाना होता है, मैंने खाना। खाना नहीं बोला, मैंने खाना ही बोला है। खाना खा लिया? थाना सुनाई दिया मुझे, खाना खा हाँ, लिया मैंने। तो वो हो गई ना, तो आपकी गर्लफ्रेंड बाबू सुनने वाली, आप उससे पूछेंगे थाना, तो आपसे पूछेंगे खाना, इसीलिए आपको ऐसा लगा कि मैंने थाना बोला, बट मैंने खाना बोला। हो गया। तो कोई बात नहीं, मजाक था, हंसी नहीं आई तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। क्या आगे बोलिए, हुआ वैसे? आगे बोलिए। हॉबीज आपकी हॉबीज क्या क्या है? ये भी क्या सवाल हुआ? था। सवाल तो सवाल होता शांत रहना और अकेले रहना। है, ये भी कोई हॉबी होती है? या अच्छा, पहली बार सुनी मैंने तो। कुछ ये पहली बार ही सुननी पड़ती है। रहते कहाँ है आपकी सिटी? आपको नंबर कहाँ से मिला था? एमबी से। वहां पे आपने सिर्फ नंबर ही देखा, और भी चाहिए कुछ लिखी हुई थी। इट्स ओके ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ ना, गुस्सा क्यों हो रहा है? फिर गुड। से आपके फैमिली में कौन कौन है? वो नहीं लिखा आपको था, वो जो मैंने आपका एपी अकाउंट चेक किया था ना, वहां पे ये नहीं लिखा था कि आपकी फैमिली में इतने मेंबर? आपको ये जनसंख्या जाननी है, तो दो समझे आप, तो मेरी मेरी क्या नहीं, फैमिली से सॉरी सॉरी, स्टार्ट जनसंख्या हुई। नहीं, मुझे सिर्फ आपकी फैमिली मेंबर जानना है। आपके घर बताइए में पहले, कितने जने हैं? आप बताइए, मैंने क्वेश्चन किया फर्स्ट। मम्मी पापा मैं और बस। भाई बहन? भाई नहीं बहन नहीं है? नहीं नहीं, जी हाँ नहीं। आज मुझे पता चल गया कि आप इतने अकड़ू और खड़ूस क्यों हो, इतने शांत क्यों हो। थैंक थैंक यू। यू। नहीं, आपके घर में मम्मी पापा हैं सिर्फ, भाई नहीं है बहन नहीं है, तभी तो आप उससे बात नहीं करते हो, फोन में लगे पड़े रहते हो, तभी तो आपके में खड़ूस वाली बात आ रही है, तभी तो मैं आपको कॉल करती हूँ, समझो आप इस बात को। इतना होंगे 15 मिनट? क्या ऑब्वियसली इतनी भी बुरी नहीं हूँ यार मैं? क्या पता, क्या पता से मतलब क्या था कि क्या पता? क्यों? तुम दिखने में अच्छी नहीं हो क्या? पूछ रहा हूँ जनरल नॉलेज। मुझे देखने वाले को पता चलेगा ना, वीडियो कॉल करें। नो वे। मैं दिखने में ओबियसली अच्छी हूँ यार, कि दिखने में अच्छी नहीं हूँ, इतनी भी बुरी नहीं हूँ, ठीक ठीक हूँ। क्या तो फिर हो रहा था? अभी तक किसी लड़के ने आपको पढ़ाया नहीं है? आई एम नॉट इंटरेस्टेड ओ रियली? रियली। पूरी पूरी लाइन माना कहते हैं जो आप अभी 3-4 दिन से कर रहे हो मेरे साथ। लाइन मार दी होती ना तो बातें अलग टाइप की होती, ठीक है ना? ओ मैं तो आपसे सर सर करके बात कर रही हूँ, ओ पोएट्री ओहो, पूछ रही हूँ। इतनी पोएट्री लिखने वाला बंदा ये तो समझ ही नहीं सकता कि लड़की लाइन मार रही है, क्या चाह रही है ना? वो तो आपकी इच्छा, आप जो समझो, मैं तो सिर्फ आपसे फ्रेंडशिप ही करना चाहती हूँ ना, कि आगे तो इतना तो भी ऐसा करने की बात है, हर रिलेशन की स्टार्टिंग फ्रेंडशिप से ही होती है, जरूरी आपको नहीं बता है। दूं। जरूरी हो या ना हो, बट बस फैक्ट मैं तो यही सिर्फ है। फ्रेंडशिप ही करना चाहती हूँ, इसके कुछ भी नहीं। अच्छा अभी फ्रेंडशिप करोगे फिर धीरे धीरे बोलोगे कि सर मैं ना आपको पसंद करने लगी हूँ, सर ये वो, तो एक बात प्लीज। बोलूँ, ये सिर्फ फोनों में और टीवी में ही होता है, ठीक है ना, रियल में ऐसा कुछ नहीं रियल होता। में आपकी जो उस पोएट्री का मैंने रिप्ले दिया ना, जो आपने मुझे पोएट्री सुनाई थी, उसका जो मीनिंग था ना, अच्छी तरह दिमाग में बैठ रहा था मैंने कि एक्चुअली मीनिंग क्या था वो, यू नो ना। आप बस एक बात बोलूँ, फिर जो आपने सेकंड पोएट्री सुनाई, उसका भी मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ रहा था क्या था। नहीं वैसे मैं एक बात बोलूँ, आप उस बात कंधी रियली
मतलब मैंने पोएट्री ऐसे सुनाई अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, आपने मीनिंग कहाँ लेके चले गए रियल में उसका। आपने अच्छी अपनी इच्छा से सुनाई, उसमें कुछ भी मीनिंग नहीं था। हाँ जी, मेरा कुछ भी मीनिंग नहीं था, आपको ऐसा लगता है, समझ नहीं दो। ओ चल ठीक है, क्या ठीक है, मुझे तो गलत लगता है। मुझे बताइए क्या आपको वक्त लग रहा है। जो इंसान खुद से झूठ बोलता है ना, वो किसी की दोस्ती के भी लायक नहीं होता। मैंने पता क्या है झूठ आपको ये बात? बोला नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, पता है आपको ये बात? है, मतलब आप डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में मुझे ब्लेम कर ही जा रहे हो, कर ही जा रहे हो अगले 15 मिनट से। जैसे आप अगले 15 मिनट हो गए क्या? अभी नहीं हुए। नहीं मतलब आप ब्लेम कर ही चले जा रहे हो, कर ही चले जा रहे हो, मतलब क्या आपका, बता दीजिए आज मुझे। आप मेरा मतलब ये है, बस मुझे थोड़े सुकून से बैठना है, सुकून से तो पूरा जो कि दिन ही आप बैठे रहते हो, फोन कर कर मुझे परेशान कर रहे हो। मतलब मैं कॉल करूं तो आपको परेशान लगता है कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ, या इतनी भी बुरी नहीं हो जितना आप समझ रहे हो। लाइट आप उससे कहीं ज्यादा बुरी हो। ऐसे मैं बहुत अच्छी हूँ ठीक है ना, एक बार मेरे बारे में जान के देखिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बारे में जानने का। मैंने जानिए तभी तो कह रहे हो जानिए। बोला ना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके बारे में जानने का। मैं क्यों जानूं आपके बारे में? इंटरेस्ट लाओ, मतलब क्यों लाऊं मैं तुम्हें जानने में इंटरेस्ट? इतनी हाइपर क्यों हो रहे हो तो मैं तुम्हें जानने में इंटरेस्ट क्यों लाऊं? ये भी तो बात हुई मिस्टर तुम्हें जानने एंग्री में। मैन, मिस्टर एंग्री मैन। ओ उमर नाम नहीं हेलो, होना चाहिए आपका, एंग्री पहले मैन नाम। खड़ूस अब ये एंग्री मैन। अच्छा नाम है मेरा, ठीक है ना? क्या नाम है, मैंने तो नाम बिगाड़ा, तुम इतनी बकबक बकबक निगाड़ा करती हो, इतना निगाड़ा पकाती हो आपने, सामने वाले को। बग बगिया और पता नहीं क्या अभी भी कुछ हाँ तो बोला वो तुम आपने, बक बक गया सामने वाले को, बक 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 करके पका देती हो। मैंने कुछ बोला? वो तो मुझे पता ही है, बट आप पकड़ रहे हो तो मैं आप तो चुपचाप की क्योंकि बक बक सुन रहा हूँ ना, मैं तो बोर हो रहा हूँ। झेलना, व्हाट डू मीन बोर हो रहा हूँ। बहुत मुश्किल है यार आपको। मतलब आप मुझे झेल रहे हो तो रख दो फोन पे। या ये ना पहले बोलना चाहिए था आपको, ये आपने की माइंड वाली बात। चलिए फोन रखिए, फोन बाय। कटे नहीं, फोन कटे नहीं, बस दोबारा बोलना फोन कटे नहीं, एक और बार। फोन कटे नहीं। कट गया।